सावन की दूसरी सोमारी है और रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। और दूसरी सोमारी है और इससे पहले यदि हम बात करेंगे पहली सोमारी की, तो पहली सोमारी को जो है लगभग 50,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन लोगों ने यहाँ पहुँच कर जलाभिषेक किया। और रांची में आप देखेंगे कि नामकुम स्वर्ण रेखा से जो कंवरिए होते हैं वो वहाँ से जल लेकर आते हैं और यहाँ पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करते हैं। पहाड़ी बाबा भोले बाबा को लोग पूरे राज्य में यहाँ पहाड़ी बाबा के नाम से पुकारते हैं और पहाड़ी बाबा की महिमा इतनी है कि कई राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँच कर जो श्रद्धा और आस्था और भक्ति जो दिखाई देती है वो आप समझ सकते हैं कि अब तक यदि हम देखेंगे तो 50,000 से भी अधिक लोगों ने यहाँ जलाभिषेक किया है। और तमाम चीज़ों को लेकर जिला पुलिस प्रशासन जो है हमेशा सक्रिय रहता है और सुबह से ये अब हमारे जो पुलिस के जवान को देख रहे हैं ये सुबह से लगभग 2 बजे से यहाँ पे ड्यूटी में तैनात हैं। और पहाड़ी मंदिर का जो पूरा इलाका है वो सावन के महीने में पूरी तरह से गुलजार हो जाता है। देखिए पहाड़ी मंदिर के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ आस्था भी है, यहाँ राष्ट्रीयता भी है और यहाँ भक्ति भी है। ये पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होता है। और कहीं ना कहीं जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो यहाँ ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं, क्रांतिकारियों का एक बड़ा सेल्टर पॉइंट था। यहाँ से तमाम चीज़ों को लेकर संचालन होता था। और पहाड़ी मंदिर की जो पहाड़ी है वो कहा जाता है कि ये हिमालय से भी पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ये एक आस्था का बड़ा केंद्र है। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी वजह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं। और सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर जो है कई लोगों को एक बड़ा रोज़गार भी देता है। अगल बगल जितनी दुकानें हैं उनमें भी उनकी रौनक बढ़ जाती है। और हम कह सकते हैं, आप देखेंगे कई जो पुजारी हैं, आप ये देख रहे हैं, ये तमाम लोग बाहर से आते हैं, ये लोग बिहार से यहाँ आते हैं सावन के मौके पर। और इस तरह से जो श्रद्धा भक्ति है और माथे पे जो चंदन है और माथे पे त्रिशूल का एक जो सिंबल है वो लगाया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में पहाड़ी मंदिर एक बड़ा आस्था का केंद्र है। और ये हम कह सकते हैं कि कई सदियों से यहाँ पूजा होते आ रही है और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे पहले जो श्रद्धालु आते हैं वो नाग देवता की पूजा करते हैं। तो आस्था के साथ साथ पहाड़ी मंदिर पूरे भारत में अनोखा मंदिर है, अनोखी पहाड़ी मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा पहले बताया कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडोत्तोलन भी होता है। तो ऐसा मंदिर आपको पूरे भारत में या पूरे विश्व में भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है और इस भीड़ में आप देखेंगे हर आयु के लोग यहाँ पहुँचते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।